अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर देखें जी, हमारी शेरू और चीते की लड़ाई हो गई है। चीता जो थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा है वो चीता है हमारा, और जो थोड़ा सा वाइट ज़्यादा है वो हमारा शेरू है। अच्छा, ये दोनों भाई हैं और दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। अच्छा, आराम से हल्के हल्के खेल रहे थे, खेलते खेलते एक दूसरे की धुलाई करना इन्होंने स्टार्ट कर दी। ये देखें, फुल फॉर्म में है दोनों। अच्छा, शेरू थोड़ा सा पीछे हट जाता, चलो मैं ज़रा तगड़ा हूँ तो इससे ज़्यादा थोड़ी सी राइज। पर चीता ना जी ना, चीते पे जान तो मिलती नहीं, लेकिन चीते ने एक्शन फुल ले लेना। ये देखें, खा पी लिया, थोड़ा सा सो भी लिया। अब जी एक धुलाई करने का टाइम रह गया था एक दूसरे का, तो इस टाइम जी एक दूसरे की धुलाई करने लगे। ये देखें, ओह क्या एक्शन हो रहा है, इनकी जुबान समझ आती होती है ना, पता चलता है कि आपस में एक दूसरे को क्या कह के लड़ाई स्टार्ट की हुई है इन्होंने, क्या कह के। ये मेरा चीता ना, चीता इसमें जान नहीं मिलती, लेकिन लड़ने को फुल तेज़ है। ये देखें, शेरू माशाल्लाह से ना हमारा शेरू है, तगड़ा तगड़ा तगड़ा, हेल्दी हेल्दी। और चीता साहब उसके मुकाबले में इतने हेल्दी नहीं, लेकिन देखिए लड़ाई फुल चल रही है पूरे ज़ोरों शोर से। ये देखें, अल्लाह माफ़ करे, छड़ दो बेशर्मो। ना जी ना, असी तो एक्शन फुल दिखाना ना अपना, जो मर्जी हो जाए। ये देखो, और पीछे से अगर माँ आवाज़ें भी इनकी दे रही होगी, मजाल है अपनी लड़ाई छोड़ के माँ के पास जाएंगे। पहले तो एक दूसरे की चंगी तरह धुलाई करेंगे, फिर इन्हें अपनी माँ याद आ जाएगी, हाँ अब इस दुनिया में हमारी एक माँ भी है। चेक करें, अल्लाह माफ़ी अल्लाह माफ़ी। इन्होंने जो ठूस ठूस के खाना खाया है ना, रज रज के, अब उसे ऐसे ही हजम करना है इन लोगों ने। ये अल्लाह अल्लाह, शेरू तू ही छोड़ दे, छोटा है तेरा भाई। ना जी ना, छोटा तो क्या हुआ, मुकाबला पूरा चल रहा है। उफ, शेरू को भी गुस्सा आ गया, फुल गुस्से में है शेरू इस टाइम। ले भी कहता, चीते की तो ऐसी की तैसी मैं कर दूंगा ना। चीता भी कहता, मैं भी कर दूंगा तेरी ऐसी की तैसी। अल्लाह, बस 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 बस, फुल एक्शन चल रहा जी मेरे कैट्स में। ये किटन्स हैं मेरे, आई थिंक अब हो गए 3 मंथ के हो गए ये पूरे। अच्छा, जब ये पैदा हुए थे ना, इनकी माँ ने सच्ची हमें देखने के लिए, टच करना तो दूर की बात, देखने के लिए भी तरसा दिया था। वो पतली अजीब सी बिल्ली थी, वो कहती थी कोई मेरे बच्चों को देखे भी ना, मतलब ना देखे भी ना मेरे अलावा। वो जी दूर किसी कॉर्नर में बच्चों को रखती थी, मैं जिस दिन उस कॉर्नर में पहुंच जाती थी बच्चों को देख लेती, अगले दिन बच्चे वहाँ से गायब होते थे, किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देती होती थी, मतलब ऐसी थी वो। तौबा, फिर तो वो जो बच्चे थोड़े से ना इस काबिल हो गए, बड़े हो गए इतने कि खुद से घूमने फिरने लग गए, चलने लग गए, तब कहीं जाके हम लोगों ने इन्हें टच किया, इन्हें दिल भर के देखा है। वरना इनकी माँ ने तो शुरू में तसा दिया था मुझे ना, कि ना जी मेरे बच्चों को तो मेरे अलावा कोई देख नहीं ना सकता। इतनी वो पक्की है ना इनकी माँ अपने ना इरादे की, इतनी पक्की है ना, बाज नहीं आती, ज़रा नहीं बाज आती। और बच्चे भी उस पर गए, फुल माँ पे गए, जैसी माँ वैसे बच्चे, बोला डायलॉग सुना है ना, ये दोनों इस डायलॉग में अमल करते हैं। ये देख रहे हैं, उन छड़ दो, माफ़ कर दे एक दूजे को, वो लड़ लिया थक गए होंगे, पर ना जी हम नहीं थकते। चीता नहीं बाज आएगा, उसने फिर शेरू को पकड़ लिया। अच्छा जी, इनकी तो ऐसे लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि इन्होंने तो ना अभी है इनका भी आधा घंटा ऐसा ही रहना है। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरा चीता और शेरू आपको कैसे लगे, तो अच्छे लगे हों, इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे, हैं क्यूटू क्यूटू से। देखा मेरा शेरू सफाइयाँ कर रहा, चीता वो थक के बह गए। तो मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ खुश रहें बात रहें, और जब आपके आस पास जो छोटे छोटे से चीतू और शेरू हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।